अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हमारे पास 15.6G ओरिजिनल रिसीवर है और प्रॉब्लम आप खुद देख लें। LED इसका बल रहा है और बंद हो रहा है, ट्रिप कर रहा है, कभी चलता है कभी बंद होता है। और अक्सर इनमें ये प्रॉब्लम भी आई है कि ये रिसीवर लोडिंग पे आके रुक जाते हैं। आज इसका फॉल्ट ढूंढते हैं जी और आपके साथ शेयर भी करते हैं कि फॉल्ट इसका कहाँ है। कस्टमर का है जी, तो सबसे पहले तो हम इसको मीटर के साथ चेक करेंगे जी। तो दोस्तों ये है हमारी शॉप जहाँ पे मैं काम करता हूँ, आप ऑनलाइन भी कोई चीज़ मंगवा सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स ये देख लें, फॉल्ट आपके सामने है और अब हम इस मीटर के साथ चेक करते हैं कि सप्लाई इसकी ओके है या नहीं है। जी तो फ्रेंड्स इसकी सप्लाई नहीं आ रही, ये देख लें इसके जो 20 वोल्ट हैं वो 5 वोल्ट भी नहीं आ रहे। जी तो फ्रेंड्स हम इसकी सप्लाई उतारेंगे और इसको अच्छी तरह से देखेंगे कि क्या मसला है। मीटर के साथ हमने चेक कर लिया है कि ये आउटपुट वोल्ट नहीं दे रही, तो हमने कैपेसिटर का ऊपर वाला स्टिकर उतारा है तो पता चला है कि कैपेसिटर थोड़ा सा फूला हुआ है। इसका जो मेन कैपेसिटर है 400 वोल्टेज में 10 UF, ये जनाब फूला हुआ है, तो इसको हमने निकाला है। फ्रेंड्स अक्सर रिसीवर सी लाइन लगाते वक्त भी बंद हो जाते हैं जब थोड़ा सा लोड पड़ता है, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि इनके जो है ना कैपेसिटर वो वीक हो जाते हैं। इस 15.6G मॉडल में ये फॉल्ट आता है, तो कैपेसिटर लगाने के बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट इसमें क्या प्रॉब्लम है, या कि हमारा रिसीवर ओके हो जाता है या कि हमें कुछ और इसमें करना पड़ेगा। जी तो फ्रेंड्स लगाने के बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट इसमें प्रॉब्लम आती है या नहीं आती। जी तो फ्रेंड्स सप्लाई हमने लगा दिया है, अब हम इसका स्विच लगाते हैं। LED तो रुक गया है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि मोनोग्राम LED। ये देखें जी हमारी स्क्रीन चल गई है और हमारा रिसीवर बिल्कुल ओके हो गया है। जी तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। और ये हमारा स्टिकर मज़र डिजिटल सैटेलाइट एंड LED TV। फ्रेंड्स अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो प्लीज़ ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। और अगली वीडियो के लिए जी अल्लाह हाफिज़।